बताता हूँ कि आप किस कैटेगरी के पेशेंट को चेक कर रहे हैं। मैं डायबिटीज़, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, इन पेशेंट्स को खुराक के जरिए उनका ट्रीटमेंट कर रही हूँ। अच्छा, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में शिफ्ट हो जाती है? बिल्कुल हो सकती है। वो इसी तरह होता है कि अगर जैसे किसी को इन्फेक्टेड पर्सन है, वो अपनी आईज़ को टच करता है, बाद में वो किसी से सलाम लेता है, तो ऐसे एक दूसरे से वो ट्रांसफर होती है। या फिर हमारा जो साबुन है, तौलिया है, वो एक दफ़ा इन्फेक्टेड पर्सन का जो दूसरा इस्तेमाल कर लेता है तो उससे वो हो जाता है ऐसे। इसलिए एहतियात की ज़रूरत है। और इसके अलावा उसमें एहतियात क्या करें, ग्लासेस लगा के रखें? ग्लासेस लगा सकते हैं, उससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन एहतियात। अच्छा जी, नाज़रीन आपको कुछ दिखाना चाहेंगे कि ये जो आई ड्रॉप वगैरह है ये आज के दिन फ्री दिए जा रहे हैं, और आज जो क्लिनिक का टाइम है वो 3 बजे तक है। इसके अलावा ये मेडिसिन जो आपको नज़र आ रही है ये फ्री दी जाएगी आज, और इसके अलावा ये जो ग्लासेस है ये भी फ्री दिए जाएंगे, क्योंकि आज स्पेशली आई चेकअप हो रहा है, तो आँखों का फ्री चेकअप हो रहा है, तो डॉक्टर क्लिनिक आप विज़िट कर सकते हैं और आँखों का फ्री चेकअप करा सकते हैं, फ्री मेडिसिन ले सकते हैं, फ्री ग्लासेस ले सकते हैं, तो ये आपको फ्री मिलेगा सब कुछ सिर्फ आज के दिन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उरान अकरम और आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान टीवी। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम ना थे करूँ क्या। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं, अगर जिस्म में कहीं तकलीफ़ होती है, किसी हिस्से में तकलीफ़ होती है, तो दूसरा हिस्सा जो है वो दर्द महसूस करता है। फ्री मेडिकल चेकअप, फ्री शुगर टेस्ट, फ्री आई चेकअप। डॉक्टर मुबीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, पहले भी आपने एक मेडिकल कैंप फ्री लगाया था जिसके अंदर फ्री मेडिसिन थी, फ्री चेकअप था, और इस दफ़ा हमने सुना है कि आप फ्री आई चेकअप भी कर रहे हैं जिसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम। हमारा मकसद ये है कि हमने डूंगा बोंगा की आवाम के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म इकट्ठा करना है जहां गरीब लोगों को एक ही छत तले तमाम सहूलियात मिले। अल्हम्दुलिल्लाह, द डॉक्टर्स क्लिनिक का ये 28वां कैंप है जिसके अंदर हम लोगों को फ्री मेडिसिन दे रहे हैं, फ्री चेकअप हो रहा है, फ्री अल्ट्रासाउंड और फ्री बेसिक टेस्ट हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस काविश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हर संडे को हम डिफरेंट स्पेशलिटी के लोग डूंगा बूंगा में लेके आते हैं ताकि लोगों को दूर ना जाना पड़े, क्योंकि महंगाई के इस दौर में लोगों को दूर जाना मुश्किल है। अब इस कैंप में आज 1 अक्टूबर वाले कैंप में हमारे पास डॉक्टर अवैस चटा साहब आए हुए हैं जो आई का चेकअप कर रहे हैं, डॉक्टर सारा बिलाल आई हुई हैं जो न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर अनम अवेलेबल हैं जो लेडीज़ का अल्ट्रासाउंड कर रही हैं, डॉक्टर असद साहब मौजूद हैं जो लोगों के इनफर्टिलिटी के अल्ट्रासाउंड बच्चों के काम कर रहे हैं। तो इस तरह हम एक ऐसा नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं कि डूंगा बूंगा और यहाँ की गिरदो नवाह के लोगों को यहाँ एक छत तले सारी सहूलियात अवेलेबल। जो डॉक्टर साहब आपने बताए ये सब फ्री चेकअप कर रहे हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारे फ्री और कॉस्ट कर रहे हैं। हर बंदा अपनी अपनी मेडिसिन साथ लेके आया है, लोगों को मेडिसिन भी फ्री मिल रही है, उनके टेस्ट भी मुफ्त हो रहे हैं और अल्ट्रासाउंड भी मुफ्त हो रही है। अच्छा, आप लोग ये कैसे बियर करते हैं? जैसे कि आजकल तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, ये जो मेडिसिन है इसका एक्सपेंस आप कैसे बियर करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये जी अल्लाह ताला की इस्तेदात होती है, तो वो दर्द दिल के वास्ते जैसे आपने बताया, तो बस उसी तरह एक निज़ाम अल्लाह ताला ने चलाया है। 28 कैंप हो गए हैं हमारे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर तरीके से मैनेज हो रहा है। इवन मतलब हमारे पास हर महीने, हर हफ्ते वाले दिन, हर इतवार को जो कम अज़ कम 100 लोगों को मुफ्त ड्रिप्स भी लगती हैं और लोगों को सिरप मिलते हैं, आई ड्रॉप मिल रहे हैं, बाहर आपने देखा है चश्मे मिल रहे हैं लोगों को। बस ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और चल रहे हैं जी निज़ाम। इसमें जो लोग आपकी हेल्प करना चाहते हैं, मतलब आपकी नहीं, मतलब मेडिसिन के तौर पे जो लोग आपको कुछ फंड देना चाहते हैं वो दे सकते हैं? नहीं, हमारा एक्चुअली ये कैंप एक बहुत बड़ी सोच के साथ हमने किया था, और ये 28 कैंप्स होने के बाद हम इस, क्योंकि हमारा कैंप किसी ज़कात, फतराने, उशर, किसी पे नहीं चलता। हमने स्पेसिफिकली ये कैंप्स मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए बनाए हैं कि जो लोग ज़कात फतराने से भी दूर रहना चाहते हैं और वो लोग जो अच्छे स्पेशलिटी के डॉक्टर को आके चेक करवाना चाहते हैं। तो ये हमारी अपनी काविश है, हम एक कैंप लगाते हैं। अभी रिसेंटली हमने 10 सितंबर को अलखिदमत वालों के साथ मिलकर लगाया था। जब एक हम बड़ा कैंप लगाते हैं जिसमें 1000-1200 लोग होते हैं, उसमें हम इन्वॉल्व करते हैं थ्रू अलखिदमत। अगर किसी ने कोई अपना कंट्रीब्यूट करना है तो वो अलखिदमत के प्लेटफॉर्म के थ्रू कंट्रीब्यूट करके हमारे साथ शामिल हो सकता है, लेकिन हम अपने कैंप्स में कोई कंट्रीब्यूट नहीं लेते। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि जो डोनर हजरात अगर आपको कुछ डोनेट करना चाहते हैं मेडिसिन, जी जी, तो आप क्या एक्सेप्ट करेंगे? हमारा ये होता है कि हाँ, अगर वो लोग खिदमत की करना चाहें तो हम ज़रूर लोगों की खिदमत करेंगे, लेकिन अगर वो पैसा ज़कात फितराने उशर का है तो हम उनको कहेंगे कि अलग खिदमत के प्लेटफॉर्म के थ्रू करें, क्योंकि हम वो एक्सेप्ट नहीं करते।
ठीक हो। चाहता हूँ कि आप किस कैटेगरी के पेशेंट को चेक कर रहे हैं? मैं डायबिटीज़, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, इन पेशेंट्स को खुराक के ज़रिए उनका ट्रीटमेंट कर रही हूँ। अच्छा, खुराक के ज़रिए बंदा अगर स्लिम होना चाहता है तो आप मतलब उसको एक ऐसा डाइट प्लान सेट करके देंगे कि वो स्मार्ट हो जाएगा? जी जी, खुराक के ज़रिए वो स्लिम हो सकता है। वो अगर कोई बहुत ही कमज़ोर है वो अपना वेट गेन कर सकता है उससे। अगर वजन की वजह से परेशान है तो उसके सारे मसाइल खुराक की वजह से हल हो सकते हैं। अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं हरुणाबाद से, लेकिन इस क्लिनिक में मेरा आज पहला डे है और एक मैं पहली ही न्यूट्रिशनिस्ट हूं क्लिनिक में। ठीक हो गया। तो आप को मुबीन साहब ने हायर किया है, तो आपने कोई फ़ीस चार्ज की है या आप बिल्कुल फ्री, मतलब कोई फ़ीस चार्ज नहीं किया? नहीं नहीं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे काम कर रही हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपने तमाम डॉक्टर्स को इकट्ठा किया है, तमाम फैसिलिटी आप पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप इस निज़ाम को कैसे रन करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मकसद ये होता है कि जैसे डूंगा बूंगा और गिरदोनवा की अवाम है, यहाँ सहूलियात का फुकदान है। हमारा मकसद ये होता है कि हर संडे को यहाँ डिफरेंट स्पेशलिटी के लोग आएँ। जैसे सपोज एक पेशेंट हमारे पास दाखिल होगा, वो मेरे पास भी आके चेक करवा लेगा, डॉक्टर साहब के पास अपनी अल्ट्रासाउंड करवाएगा, अल्ट्रासाउंड मैडम के पास अपना खुराक का चार्ट बनवा लेगा, आंखों वाले डॉक्टर साहब आए हुए हैं उनसे अपनी आंखें चेक करवा लेगा, उनके साथ लेडीज़ आई हैं वो लेडी डॉक्टर से अपना चेक करवा लेंगी, ड्रिप लग रही है ड्रिप टीका मुफ्त लगवा लेगा, अपने टेस्ट मुफ्त करवा लेगा और जाती दफ़ा दवाई मुफ्त ले जाएगा। और ये एक इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है जो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में हमारे लेवल पे हमने पहली दफ़ा शुरू किया है और हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जो हमसे इंस्पायर हुए हैं। आज हमारा 28वां कैंप है और हमने जब कैंप करना शुरू किया था हमारे डूंगा बूंगा में और गिरदोनवा में कोई कैंप नहीं करता था, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मुख्तलिफ जगहों पर हर इतवार को हर जुमे को कैंप हो रहे हैं। तो हर हमेशा अच्छा काम करने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को इंस्पायर करो, आप लोगों को इस तरह फैसिलिटेट करो कि लोग आपको देख के खिदमत करना सीखें। तो हमने ये देखा है कि जब से हमारे कैंप्स हुए तो लोगों ने इंस्पायर किया है, इंस्पायर हुए हैं और उस इंस्पायर होने के बाद मजीद कैंप्स लगने शुरू हुए, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक बड़ा मकसद था और वो सोच हमारी अप्रूव हो रही है। ये बहुत अच्छी सोच है आपकी और बहुत अच्छा इकदाम है कि आप लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत नेकी का काम। अच्छा डॉक्टर साहब, फ्री आँखों का चेकअप हो रहा है, माशाल्लाह बड़ी बात है। डॉक्टर क्लिनिक डोंगा बोंगा में पहली बार आँखों का चेकअप फ्री कर रहे हैं आप, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं डॉक्टर? मैं जी बेसिकली डहरावाला से हूँ। अच्छा, तो आप कुछ चार्ज कर रहे हैं या फ्री मतलब चेकअप कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, हम मेडिसिन भी फ्री दे रहे हैं। अच्छा। इसके अलावा उन्हें चेकअप भी फ्री है, तो वन टू आल जो भी उनका प्रोसीजर है वो हम फ्री कर रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, आपने डिग्री कहाँ से ली? यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। अच्छा, तो आजकल ऑन ड्यूटी कहाँ पे होते हैं? मैं बेसिकली वैसे इंटर्नी था, फॉर्मर इंटर्नी था THQ हॉस्पिटल फोटाबास में, आजकल मैं अपना क्लिनिक चला रहा हूँ उधर डहरावाला में। अच्छा जी जी, तो ये एवरी संडे ऐसा होगा, ये आज बस आज ही है सिर्फ? पहले तो हमने ये नोटिस किया था, मैं और डॉक्टर मुबीन साहब हैं, तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ के लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ की, तो अभी स्टार्ट लिया है, हमने इनिशिएटिव लिया है एक, तो अभी ये पहला कैंप है, इंशाल्लाह आगे भी मुस्तकबिल में मज़ीद हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों की खिदमत हो सके। अच्छा, आजकल एक वो आँखों की बीमारी आई हुई है, आई पिंक के नाम से, पिंक आई के नाम से, तो वो क्या होती है, बीमारी क्या होती है, उसके बारे में पूछ। उसमें ये है कि एक तो ये कंजक्टिवाइटिस कहते हैं जिसे नॉर्मल अल्फाज में शुबे चश्म या फिर पिंक आई कहती है। उसमें ये है कि एक किस्म का एडिनो वायरल वो इन्फेक्शन ही होता है आँखों का, उसमें ज़्यादा तो एहतियात की ज़रूरत होती है मरीज़ों को, कि एक तो ये है कि एक दूसरे से समाजी फासला रखें, अपनी आइज़ को टच ना करें। इसके अलावा जो अगर कोई मरीज़ का जो कॉस्मेटिक्स है या जो तौलिया इस्तेमाल करता है, अपना जो साबुन इस्तेमाल करता है, वो एक दूसरे से अलहदा, अगर तो ये यही चीज़ें देख के वो अपना कर सकते हैं, तो इसी से वो तकरीबन 80% तक ठीक हो जाती है। वो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में शिफ्ट हो जाती है? बिल्कुल हो सकती है। वो इसी तरह होता है कि अगर जैसे किसी को इन्फेक्टेड पर्सन है वो अपनी आइज़ को टच करता है, बाद में वो किसी से सलाम लेता है, तो ऐसे एक दूसरे से वो ट्रांसफर होती है, या फिर हमारा जो साबुन है तौलिया है वो एक दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन का जो दूसरा ही इस्तेमाल कर लेता है तो उससे वो हो जाता है ऐसे। इसलिए एहतियात की ज़रूरत है। और इसके अलावा उसमें अदवाइयात याद क्या करें, ग्लासेस लगा के रखें? ग्लासेस लगा सकते हैं, उससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन एहतियात ज़्यादा यही है कि अपना जो समाजी फासला रखें, एक दूसरे का जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो दूसरे से थोड़ा अपना अलहदा रखे, अपना जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल की जो ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो अलहदा रखे। अगर घर में कोई बंदा इस बीमारी में जो है वो गिरफ्तार हो जाता है तो उसको क्या सेपरेट कर दें? नहीं नहीं, सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एहतियात की ज़रूरत है। ये जो मैंने आपको दो तीन चीज़ें बताई हैं यही करने से वो काफ़ी बेहतर है। बाकी ये है कि इसमें ठंडे पानी की छींटे मारे, और मरीज़ों के लिए हदायत ये है कि खुद से अदवाइयात इस्तेमाल ना करें जब तक वो किसी भी अपने डॉक्टर से या उनको नहीं करते, खुद से इस्तेमाल ना करें। बहुत शुक्रिया सर। कहेंगे कि आप लोग फ्री अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं पेशेंट का और फ्री चेकअप कर रहे हैं,
यहाँ पे फ्री अल्ट्रासाउंड हो रहा है और फ्री चेकअप हो रहा है, जो बांझपन के मरीजों का ना इलाज हम फ्री कर रहे हैं आज के दिन के लिए, और ब्लड टेस्ट वगैरह वो भी हम लोग आज फ्री करवा रहे हैं। अच्छा, जो बांझपन के जो मरीज होते हैं ये तो बड़ा गंभीर मसला है, तो उसका मतलब आप लोगों ने कोई स्पेशलाइज किया हुआ है? हाँ जी, स्पेशलाइज है, यहाँ पे हम टेस्ट वगैरह करवाते हैं, हमारे पास गायनोकोलॉजिस्ट हैं तो हम लोग उसका प्रॉपर इलाज करते हैं। फिर बाकी मरीजों का जो है अल्ट्रासाउंड फ्री है और चेकअप फ्री है, मेडिसिन भी फ्री है? मेडिसिन भी फ्री है आज के दिन, मेडिसिन भी फ्री है और टेस्ट जो हम करवा रहे हैं वो भी आज फ्री है आज के दिन। अच्छा जी, नाजरीन आपको कुछ दिखाना चाहेंगे कि ये जो आई ड्रॉप वगैरह है ये आज के दिन फ्री दिए जा रहे हैं, और आज जो क्लिनिक का टाइम है वो 3 बजे तक है। इसके अलावा ये मेडिसिन जो आपको नज़र आ रही है ये फ्री दी जाएगी आज, और इसके अलावा ये जो ग्लासेस है ये भी फ्री दिए जाएंगे, क्योंकि आज स्पेशली आई चेकअप हो रहा है तो आँखों का फ्री चेकअप हो रहा है, तो डॉक्टर क्लिनिक आप विज़िट कर सकते हैं और आँखों का फ्री चेकअप करा सकते हैं, फ्री मेडिसिन ले सकते हैं, फ्री ग्लासेस ले सकते हैं, तो ये आपको फ्री मिलेगा सब कुछ सिर्फ आज के दिन। एवरी संडे दी डॉक्टर क्लिनिक पे जो चेकअप होता है वो फ्री होता है, मेडिसिन फ्री होती है, और टाइमिंग इनकी है सुबह 9 से शाम 3 बजे तक। डॉक्टर क्लिनिक का एड्रेस आप नोट कर लें, दी डॉक्टर क्लिनिक हाईवे रोड रिजवान मार्केट डोंगा पोंगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।